ये जो रैबिट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1970 की दहाई में उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया कि यहाँ पर अपने ही जो मुल्क में जो खरगोश का जो हमें जो बहुत सारे इसके प्रोडक्ट जैसे इसके जो पेल्ट होता है ऊपर बहुत सारे कंट्री से इसको इंपोर्ट करना पड़ता था, इसको कम करने के लिए उन्होंने प्रोग्राम चलाया। जैसे गरसा जो हिमाचल में रखा सबसे बड़ा फार्म, तो फिर वहाँ से बाकी जो जहाँ पर मौजूद उसका जो आब हवा था वहाँ पर उनको भेजा, उसमें से कश्मीर में भेजे। और यहाँ पर जब सबसे बड़ा जो फार्म है वो है हुसन में जो शिपर बंडरी के अंडर है, और जो हमारे यूनिवर्सिटी जरी यूनिवर्सिटी उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट शुरू किया आज से 10-15 साल पहले, और इन्होंने भी यहाँ पर रैबिट पर काम करना शुरू किया। और ये जो रैबिट है ये बहुत सारे रिसर्च में काम आते हैं। पहला तो काम यहाँ पर क्योंकि रिसर्च जो यहाँ पर तहकीकी इदारा है यहाँ पर काम तहकीक के नस्बत करते हैं, तो इसमें बहुत सारे जैसे दवाई बनाने के काम आते हैं, इन पर उनकी तहकीक की जाती है या उनकी पैदाइश या बहुत सारे जो दवाई है वो भी उन पर तजुर्बा किया जाता है, और जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज कैसे करना है वो इन पर सीखा जाता है। कुछ लोग तो इनको शौक से पालते हैं, कुछ लोग इनको गोश्त निकलता है वो गोश्त के लिए लेते हैं, क्योंकि इसका जो गोश्त है बहुत हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है और जो फैट्स ट्राइग्लिसराइड वो बहुत ही कम पाया जाता है। जो ये हमारा जो रैबिट्री है जो इसकी रैबिट की हस्बेंड्री है ये हमारे फायदे में बहुत काम आ सकता है, हमारे बहुत सारे नौजवान ये पेशा ले सकते हैं और इसमें फ़ायदा भी बहुत आएगा और इसमें ज़्यादा लागत भी नहीं लगती है। ये घास फूस कोई भी जो किचन वेस्टेज होता है जैसे फल फूल जो भी हमारे घर से निकलता है वो इस पर पल जाते हैं, इसको पालना भी बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही फायदेमंद है। हमारे पास 6 अकसाम के हमारे पास खरगोश पाए जाते हैं, उनमें से जैसे ये है ये कैलिफोर्नियन वाइट है, इसका बिल्कुल पूरा जिस्म वाइट होता है, इसके कान भी बिल्कुल ना सफ़ेद रहते हैं और इसकी जो आंखें वो पिंक या सुर्ख टाइप रहती है। और दूसरा है यह है साउथ चिंचला, ये थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लैक ना ब्राउनिश ग्रे रहता है ये वाला। और तीसरा ये है ब्राउन ब्लैक, ये यहाँ पर ही डेवलप किया गया, जो हमारा हुसन फार्म है वहाँ पर डेवलप किया गया है, कश्मीर में ही डेवलप किया गया है। तो ये हमारा है कैलिफोर्नियन वाइट, इसका पूरा जिस्म वाइट रहता है लेकिन सिर्फ उसके जो कान है थोड़े से ब्लैक रहते हैं। और हमारे पास एक और है जो है हमारा है जर्मन एंगोरा, इससे हमारा जो ये है आप ये देख सकते हैं इसका जो ये जो ऊन है ये कितनी मुलायम है, इसका जो ये है ये बहुत ही ना फाइन रहता है।